ने जो है ये टूट करके हो गया है, और यहाँ लोकल पब्लिक से पूछते हैं कि क्या है। और ये सामने मेरा गांव है मदनपुर डबास। एक 5 इतनी बारिश हुई और ये सामने आप हिस्सा देख रहे हैं, ये ढह चुका है और आगे भी हमें खतरा है। क्या पता कहाँ रह गए, क्या है यार, इसको कहीं कुछ मेरे 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना। तैयार था पहले? हाँ हाँ, पहले बिल्कुल तैयार था, जैसे आप देख रहे हैं इधर हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे कंप्लीट था ये बिल्कुल। स्वागत है आपका इस वीडियो में UVR2। हम आपको दिखाएंगे मदनपुर डबास, जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था वो कुछ बारिश बारिश की वजह से कुछ गिर गया है। तो देखते हैं अभी और दिखाएंगे आपको कि कितना सही है कितना नहीं है। मीनवाइल मैं यहाँ सोनीपत और बवाना और रोहिणी गेट्स पर और इंटरचेंज में आया हूँ, जो मैं आपको अभी दिखाया कि ओपन हो गया था ये। और यहाँ से अगर आप देखो, मैंने ले लिया यू टर्न सर्विस लेन पे, और उसके बाद राइट साइड में जो आपको जा रहा है ये है सोनीपत बवाना वाला स्पर, और उसके नीचे से जो बवाना से आने वाला जो अंडर पास है वो आपको सामने दिख जाएगा इस तरफ, जो कि लास्ट वीक ही चालू किया गया है। और उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, जैसे आपको भी पता ही होगा, काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस वगैरह हो रही है। तो इसमें कुछ 5 पैकेजेस हैं जो कि ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर का टोटल पैकेज है, और जो पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 जो है वो सीधा सीधा आपका अलीपुर, रोहिणी, मुंडका, उसके बाद द्वारका से होते हुए IGI एयरपोर्ट जाता है, और पैकेज 4 और 5 जो है वो आपका जाता है एक सोनीपत स्पर जो 25 किलोमीटर का है, और एक दूसरा है बहादुरगढ़। तो ये इसकी टाइमलाइन जो थी वो थी लास्ट ईयर दिसंबर तक कंप्लीट होने की, इलेक्शन से पहले। मगर ये सारा जो है लैंड एक्विजिशन वगैरह की वजह से डिले हो गया। और अगर आप देखो पैकेज 3 जो है आपका जो नजफगढ़ से आता है द्वारका की तरफ, वो तो ओपन हो चुका है और उसमें आप कम्यूट भी कर सकते हो। और जो पैकेज, एक मिनट दर्शन, ये जो फ्लाईओवर है ये है ठाला मेट्रो स्टेशन के साथ नीचे जो आ रहा है, ये वो वाला लग, वो हाँ वाला जी ही हाँ हाईवे जी हाँ जी, ये रिठाला के नीचे वाला जो रोड है रोड है, वही ना, करेक्ट उसके लिए फ्लाईओवर बनाया है, इसको अटैच कर। करेक्ट, वो यहाँ पर आ जाएगा। और जो जिसको अगेन द्वारका की तरफ जाना है तो वो सीधा सीधा चले जाएंगे, और जिसको द्वारका की तरफ नहीं जाना है, अलीपुर की तरफ जाना है या रोहिणी की तरफ जाना है, तो वो यहाँ से इस ब्रिज पे आकर के चले जाएंगे। ये आ गए हैं हम सेक्टर 39 रोहिणी के एग्जिट में, जो कि आता है आपका कराला कंजाला रोड के बाद, और इसके आगे मदनपुर डबास में कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ पुल वुल गिर गया है, तो वो देखने जा रहे हैं और बताते हैं आपको आगे की तरफ। तो यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया तरीके से दिख रहा है, आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि आगे रास्ता है या नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, बट देखते हैं आगे जाकर के। तो यहाँ तक तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही। मॉनसून ऑलमोस्ट निकलने वाली स्टेज पे, तो यहाँ तक हम देखें तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई चैलेंजेस वगैरह नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपका UVR 2 का जो इंटरचेंज है, जो आपका पॉइंट होता है चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे में, वहाँ पर प्रॉब्लम है, वो भी अभी फाइनल टच में है। उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो है पैकेज 2 के इस वाले सेक्शन में, जो कि आप देख रहे होंगे पुल के ऊपर का जो पार्ट है वो तो ब्लैक टॉप भी हो चुका है, मगर यहाँ पर अर्थवर्क वगैरह होना काफी अभी बाकी है। दत्त साहब, ये दूसरा जो है इसका हमने वो देखा था, कौन सा मेट्रो स्टेशन है आगे जिसमें हाँ, तो काम? दूसरा जो है, एक तो यहाँ पर बताया मैंने जैसे पैकेज 2 में चैलेंज है, अभी अर्थवर्क वगैरह हो रहा है, और ये सारा लैंड एक्विजिशन के डिले की वजह से हुआ था। उसके बाद जो आपको एक ही प्रॉब्लम जो दिखेगी, मीनवाइल में ज़रा ध्यान से यहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कीचड़ वीचड़ और पानी वानी काफ़ी भरा हुआ है, तो
थोड़ा ज़रा ध्यान से देंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये माइनर सा हर्डल पार हुआ, और उसके बाद अगर हम बात करें आगे, जो प्रॉब्लम है वो है आपका मुंडका मेट्रो स्टेशन का जो इंटरचेंज है, वो काफ़ी बड़ा इंटरचेंज बन रहा है और वहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये मिट्टी विट्टी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से नियंत्रण लेना पड़ेगा। जी, तो एक ये बन रहा है, और जो मुंडका का फ्लाईओवर है वो जो कि मेजर इंटरचेंज बन रहा है वहाँ पर, गेम चेंजर। वहाँ ऑलमोस्ट आपको कुछ 16 लेन के आसपास दिखेंगी, इंक्लूडिंग मेन कैरिज वे और बाकी जो दूसरे कैरिज वे हैं। और इसके बाद एक है जो आपका नजफगढ़ ड्रेन जो है, तो वहाँ पर भी 3 जगहें हैं जहाँ पर चैलेंज दिख रहा है। तो अदरवाइज़ इसका पूरा काम तो हो ही चुका है, और आपको दिखाई भी है कि काफ़ी ट्रैवल भी कर सकते हो आप उसमें, थोड़ा सर्विस लेन से कहीं पर मेन कैरिज वे से। तो ये 3-4 जगहें हैं जहाँ पर जो बचा हुआ है, जिसके बाद ये UER2 में आप अलीपुर से एयरपोर्ट 30-35 मिनट में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पर भी देखो, ये Package 2 का स्टार्ट हो गया, तो पीछे जैसे अर्थवर्क जो चल रहा था उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम बना हुआ है ऑलरेडी। मुझको श्योर नहीं है कि ये रोड जो थी ब्लैकटॉप वगैरह हो चुका है, फिर उसको खोदा क्यों गया है, बट फिलहाल अगर आप देखें जो राइट साइड में हमारा मेन कैरिज वे जाने वाला और उसके राइट साइड में मेन कैरिज वे आने वाला है, और ये जिसमें हम चल रहे हैं सर्विस लेन, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से बन चुकी है। लाइनिंग वगैरह, लेन मार्किंग वगैरह नहीं हुई है अभी, बट साइड में जैसे कि आपको दिख रहा होगा एनिमल प्रोटेक्शन, ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ पर कोई जानवर वगैरह सामने जो है ये टूट करके हो गया है। और यहाँ लोकल पब्लिक से पूछते हैं कि क्या है, और ये सामने मेरा गांव है मनकपुर डबास। देख रहे हो थोड़ी सी बारिश हुई, अभी 5-6 महीने बारिश हुई, और ये सामने आप ऐसा देख रहे हैं ये ढह चुका है, और आगे भी हमें खतरा है, क्या है क्या है कुछ मेरे। हाँ जी, ये अभी दो दिन पहले जो बारिश हुई थी ना, हाँ पहले बिल्कुल तैयार था, जैसे आप देख रहे हैं इधर बिल्कुल ऐसे कंप्लीट था ये बिल्कुल। और अभी जो परसों बारिश हुई है उसके बाद ये सामने वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये ढह चुका है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो नहीं चला है क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी आ जाती है, और आप देख रहे बंद पड़ा है ना, आप यहाँ कोई वर्कर भी नहीं है अभी, यहाँ पर कोई भी नहीं। एक्चुअली क्या है, हमें तो दूसरा रास्ता है अभी जाने के लिए, ये इसी तरह से तैयार नहीं हुआ, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता तो दिक्कत आती। तो लोकेशन का नाम बता देना, ये मदनपुर डबास और ये सामने जो रोड, ये मदनपुर डबास है और ये सामने कंजावला इंडस्ट्री एरिया रोड जाता है। हाँ जी, और आप इधर जाएंगे तो ये रानी खेड़ा गाँव मुंडका, सीधा मुंडका को टच करता है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई डोंट नो, इसका तो अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर से अभी बिल्कुल नहीं दिख पाएगा, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको। वो सामने जो है मदनपुर डबास के इलाके में ये गिर गया है ब्रिज, अब क्या है क्या रीज़न है वो बाद में सारी चीज़ें पता लगेगी, मगर ये जैसे उन्होंने बताया राणा खेड़ा वाला एरिया और ये सारा एरिया तो दिखा। तो ये है वो रोड, और वो देखिए सामने जहाँ पर क्रेन से काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स आए हुए हैं NHAI के, मेरे ख्याल से पूरा चेक कर रहे हैं स्टेटस वगैरह कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, जिसकी वजह से ये पुल गिर गया। ये देखिए, और वो सामने आपको हाँ वो गिर गया, अच्छा, तो पुल नहीं गिरा है बेसिकली, ये थोड़ा सा साइड से जो रोड है, हाँ सपोर्ट जो है वो नीचे गिर गया है। ओके, तो एटलीस्ट सुन करके पहले डर लग रहा था कि पुल गिर गया है, मगर अभी देखें तो पुल नहीं गिरा है, सिर्फ ये स्लाइड ही गिरा है यहाँ पर। अब आगे जाकर के देखते हैं, ये ऑफिशियल्स वगैरह भी हैं, हमें हेल्प करवाएंगे नहीं करेंगे, मगर देखते हैं। और बता गए वापस, और एक्चुअली क्या था कि जो जैसे सब्सक्राइबर ने इन्फॉर्मेशन दी थी और न्यूज़ पर भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि पूरा पुल गिर गया है, तो जैसे आपको दूर तक सामने तक दिख रहा होगा पुल वुल कुछ नहीं गिरा है,
सिर्फ साइड का जो जो वॉल्स होती हैं उसके जो जो वॉल सपोर्ट करती हैं मिट्टी विट्टी को, वो नीचे ढह करके नीचे आ गया है, तो पुल नहीं गिरा है एक तरीके से। ये साइड में सिर्फ उसका जो जो कंक्रीट का जो सेटअप होता है वो थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर गीली मिट्टी वगैरह होगी तो उसकी वजह से गिर गया है, जिसको ऑफिशियल्स वगैरह चेक कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि आप सामने भी देख रहे हो ये है दूसरी साइड वाला ब्रिज और उस तरफ वाला ब्रिज भी इंटैक्ट ही है, मगर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है वो साइड वाला जो है वो नीचे गिर चुका है कंक्रीट का सेटअप। खत्म होने वाला है, मगर आप ये देख रहे होंगे कि पानी अभी भी भरा हुआ है यहाँ पर लो लाइंग एरियाज में और ट्रैफिक को थोड़ा सा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और जब ये बन जाएगा तो होपफुली नहीं करेगा होगा प्रॉब्लम। और ये देखिए इस जगह में आपको पहले 2 साल पहले तक ऐसे एक पानी जमा हुआ दिखता था, ये देखिए ये है यहाँ पर वाटर बॉडीज थी यहाँ पर, तो इस जगह में जो ब्रिज बना है और पूरा जो यूवीआर बना है यहाँ पर पहले पूरा पानी होता था, जिसको पहले यहाँ पर ग्राउंड वर्क वगैरह कर करके इसको पहले लेवल करा गया और उसके बाद ही बनाया गया। ये देखिए ये देखिए, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और हमको ये दिखाना था मुझे कि इस एरिया में जो न्यूज़ में आया था वो कितना गिरा हुआ है, और न्यूज़ वगैरह में और वैसे बताया था कि पूरा पुल गिर गया, मगर ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा साइड का जो कंक्रीट का जो पार्ट है वो गिरा था, और जिसमें हमने देखा कि काम भी चल रहे हैं, ऑफिशियल्स वगैरह भी आए हैं उसका RCA रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त, उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।